हेलो एवरीवन, दिस इज हरिद्र साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं आया हूँ एपिसोड नंबर 67, यानी कि कल की बात आज, जिसमें मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कुछ बड़े एडवांस के मूवमेंट्स बताता हूँ कि किस लेवल से मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। और कल आपको मैंने बताया था निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो चलिए देख लेते हैं किंग रिसर्च ईगल आई व्यू हम लोगों ने कल क्या दिया था और किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। ये देखिए बॉस, निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने कल दिया था कॉल, एडवांस में बताया था रात को, जिससे कि आज आपने मॉर्निंग में देखा होगा, क्लियर कट बोला था भाई, यस बाय विद स्टॉप लॉस 10,970 जोन टू केस 11,170 और ऊपर के लेवल पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्यादा बाई करने का। ये दिया था, लेवल्स थे, अच्छा दिख रहा था, लेकिन ऊपर के लेवल पे क्लियर कट बोला है। जिसको अगर डाउट है कल का वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन दबा के, ऊपर आई बटन में आ गया होगा, क्लियर कट बोला था बॉस, राइट, कि ऊपर के लेवल पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई, बट ये लेवल आपका आएगा। और देखो एग्जैक्ट 11,170 का लेवल आप खुद चेक करिएगा, क्या आया या नहीं आया या हवाबाजी, खुद आप चेक करें और वहीं से देखो किस तरह से मार्केट भड़बड़ाते हुए निफ्टी फ्यूचर्स गिरी है। तो मैंने क्या बोला था ऊपर के लेवल पर, टेलीग्राम में स्टे ट्यून विद अस, आपको लेवल्स बताऊंगा। बैंक निफ्टी अबव 21,430 कहां तक हाई गया, कोई बता पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितना हाई गया। 21,947 21,156 का टारगेट दिया था बॉस, फिर बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। 15 दिन मेरे देख लो, 15 जरूरत नहीं है, एक हफ्ता मेरे कॉल्स देख लो निफ्टी बैंक निफ्टी का, आपको समझ में आएगा किसको फॉलो कर रहे हो। एनीवे, वेदांता दिया था बॉस, क्लियर कट बोल रहा 21,23 के आसपास आएगा, तो ठोकने का सोचना। सेल ऑन प्राइस बोला था 21,23 के आसपास आया, 22 पे क्लोज हो गया, तो इस पे क्या बात करूं। उज्जीवन बोला था वेरी बुलिश ऑन चार्ट, 224 के ऊपर तेज है, आप खुद हाई चेक कर लेना कितना लगा है, क्लियर कट मेंशन किया है, क्लियर कट मेंशन किया है, रिजल्ट आपके सामने है। एनीवे, अब हम बात करते हैं जो हो गया सो हो गया सर, एडवांस में बात कर रहा हूँ, फिर आज मैं आपको लेवल्स देने वाला हूँ, कल देखना क्या काम करते नहीं करते। निफ्टी फ्यूचर्स लास्ट क्लोज 11,132, यस एनी डिक्लाइन और पैनिक ओनली भाई, इस लेवल पे कोई बाई नहीं करेगा, लेकिन कोई पैनिक तो आने दो, थोड़ा सा पैनिक तो आए, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला आप सबको पता है, तो वेट एंड वॉच, कुछ पैनिक आने दो फिर आपको दिखाएंगे धमाका। सर फिर बोल रहा हूँ रेंज बाउंड मार्केट में मेरा थोड़ा सा फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन अगर मूवमेंट है बॉटम पे हंटिंग करता हूँ, टॉप पे ठोकता हूँ, ये चीज मेरे याद रखना। और मैं छोटे स्टॉप लॉस देने को रेडी हूँ, लेकिन बड़ा जब लूंगा ना 10 स्टॉप लॉस के बराबर मेरा टारगेट होता है, तो मैं 10 स्टॉप लॉस के बराबर एक बार में मैं खींच लेता हूँ, इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने दो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो मार्केट बड़ा लेके जाएगा, तो बड़ा हम देने को रेडी नहीं है, हमेशा छोटा देने को रेडी रहता है। तो ओनली बाइंग सेट रिलैक्स अराउंड 10,030 10,970 विल एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड हर्डल 11,270 11,247 इसके ऊपर जाएगा तो ही तेज है, अदरवाइज फिर ठोको। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, लास्ट क्लोज 21,607 सपोर्ट 21,370 21,250 से फ्रेश लेवल्स दे रहा हूँ, नोट कर लेना डायरी में। एनी डिक्लाइन और पैनिक ओनली थिंग फॉर द बाय विद स्टॉप लॉस 28,70 एंड गो लॉन्ग सेट रिलैक्स अपसाइड इट विल ज़ूम टू किस 21,870 22,256 मेरे भाई। आई लव HDFC बैंक कोटक बैंक, क्यों लिख रहा हूँ मैं, कभी कभी लिखता हूँ कि HDFC बैंक कोटक बैंक, भाई साहब स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट ओनली स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी होती 20% काम करती है, रिमेनिंग जो 60% है और 20% है वो रिस्क मैनेजमेंट 20% काम करेगी, और रिमेनिंग जो 60% है साइकोलॉजी काम करती है। मैंने एक निफ्टी की रामायण कथा का वीडियो बनाया, कि निफ्टी के 7 हैंड का वीडियो बनाया, बॉस जाके वो देखो, वो साइकोलॉजी डेवलप करने में आपको हेल्प होगी। थोड़ा लंबा है क्योंकि साइकोलॉजी छोटा नहीं हो सकता, लंबा ही होगा, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। आई लव HDFC कोटक बैंक, अगर इन स्टॉक्स के अंदर कुछ तेजी आएगा तो बैंक निफ्टी को खींच के लेके जाएगा कान पकड़ के। निफ्टी नहीं चलाती HDFC को, कोटक को, कोटक बैंक एंड HDFC चलाते हैं निफ्टी को, ये मेरी बात मेरे भाई ध्यान से समझ लेना आप लोग, बाकी आप समझदार हो। और गाइस निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लाया हूं फर्स्ट टाइम, धीरे धीरे कोशिश करूंगा स्टॉक्स के भी चार्ट लाने का जिससे आपको समझ में आए। ये देखो इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल चार्ट है, आप ढूंढते हो पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है बॉस, सिर्फ प्रैक्टिस है, 13 साल का मेहनत है सर, सुबह 8 बजे से रात के 2-2.5 बजे तक सिस्टम के बैठने का नजरिया है, आंखें बाहर निकालने का नजरिया है, दोस्ती करने का नजरिया है, गर्लफ्रेंड बनाओ चार्ट को,
बट क्या करते हो आप? टाइम पास, धंधा कर रहे हो स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। प्रॉपर सर, प्रॉपर कह रहा हूँ, योगा करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के साथ। उठते बैठते खाते पीते, दोस्त बनाओ इसको। चार्ट को देखो कितना सिंपल है आपके सामने चार्ट। मैं जान मुझके लाया, मैं डालता हूँ फेसबुक, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं फेसबुक में फॉलो करिए दोस्त, वहां पे मैं लाइव चार्ट डालता हूँ सुबह सुबह, जिससे आपको सीखने को आसानी मिले। लोग कहते हैं कि सर आप पेड सेमिनार चला रहे हो, मेरे भाई पेड सेमिनार्स मैं बिल्कुल चला रहा हूँ, सच्चाई बेच रहा हूँ, साइकोलॉजी सिखाने की कोशिश करता हूँ जो मार्केट में आपको कोई नहीं देता। इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, क्योंकि 60% मैं बार बार फोर्स करता हूँ, साइकोलॉजी काम करती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। तो इंपॉर्टेंट, फ्री में भी आपको मैं 10 से 12 स्ट्रेटेजीज दे चुका हूँ, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में, आज फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में एक मॉर्निंग में जो एक कॉल दी थी, देखो टाटा स्टील का भाई साहब 17-18 पॉइंट मिले, 1700 का लॉट साइज है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो अपने आप कितना आता है, 27,000 प्लस नेट प्रॉफिट उसके आसपास ही है, एक सिंगल कॉल दिया था। उसके बाद सारे फ्रंट पेज से दिए थे आपको कॉल्स ऑप्शंस के। आपको भाई ऑप्शंस लवर भाई साहब टाइम पे एंट्री लो, जो लोग फ्रंट पेज में मुझे फॉलो कर रहे हैं गाइस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ 2 से 3 हजार का टारगेट मैंने इंट्राडे का टारगेट लेके आपके लिए बनाया है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लोग छोटे ट्रेडर हैं, नहीं जानते ट्रेड करना, नहीं समझ में आता, तो मेरे भाई जैसे ही प्रॉफिट मिले 200, 500, 1000 प्लीज लेके निकलो, एंट्री सही टाइम पे लो। प्रॉफिट आपको हर कॉल में कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके बाद भले वो गिर जाए लेकिन तुरंत प्रॉफिट 1000, 2000 जो मिले लेके निकलो मेरे भाई, लेके निकलो। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, आप टेलीग्राम देख रहे होंगे, उसमें एमटीएम डालता हूँ, वो कह रहे हैं सर आपके हर कॉल से हम कमाते हैं, 2 रुपए 1 रुपए मिलता है, हम लेके निकल लेते हैं अपना। फ्यूचर्स के कॉल देखता हूँ मैं आपको, मैं देता हूँ 4-5 रुपए आराम से, मैं हर कॉल में फ्यूचर में फ्रंट पेज में दे देता हूँ। भाई फिर बोल रहा हूँ सर फास्ट काम करो, ये कोई वो नहीं है कि बनाया और खा लिया, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी उम्र निकल जाएगी, हमारी उम्र निकल जाएगी। हम तो एमटीएम में अपना अकाउंट में पैसा बना रहे हैं भाई, ट्रेडिंग से मेरा ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग की हेल्प के लिए सब देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको समझ में आए समझ जाओ, नहीं समझ में आए भाई कोई बात नहीं, टाइम आपको अपने आप समझा देगा, मेरे पास से नहीं, किसी से किसी को सीखना बहुत जरूरी है। देखो कितना सिंपल चार्ट है, देख रहे हो कितना सिंपल, नीचे एक लाइन सपोर्ट आ गया, बीच में एक सपोर्ट आ गया, देखो मार्केट डांसिंग इन आवर ट्यून, बोलता हूँ ना मार्केट कैसे डांस करता है हमारे ट्यून में, यही है बॉस। आ कभी आर्ली चार्ट में देखता हूँ, कभी 30 मिनट चार्ट में देखता हूँ, कभी 15 मिनट चार्ट में देखता हूँ, कभी डेली देखो, कभी वीकली देखो, समझ में आ रहा है? कुछ सीखने का सोचो, क्यों यहीं से गिरा 22,000 के लेवल से, क्यों हमने हर्डल्स दिए थे ऊपर के लेवल पे, यूज योर ब्रेन, यही लेवल दिए थे कल के, ये लेवल्स दिए थे कि नहीं दिए थे, जिसने नहीं देखा दोबारा देख लेना मेरे भाई, फिर बोल रहा हूं सीखो मेहनत करो, 1 महीना 2 महीने 6 महीने अपने आप को दो, दोस्ती करो चार्ट से, पैसा झक मार के आएगा, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर फोकस करो। एनीवे रूल है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, आज मैंने कोई स्टॉक सिलेक्शन आपको नहीं दे रहा हूं, तो ये रूल किसी काम का नहीं है, बाकी आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम करो। और नो मैन, नो वन इज बॉर्न ग्रेट ट्रेडर, वन वुड लर्न ट्रेडिंग, सीखने का कोशिश करो, जरूरी नहीं कि किंग रिसर्च से, जिसको भी फॉलो करते हो, जिसको भी समझता है उससे सीखो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या वो खुद पैसा बना रहे हैं, क्या वो खुद ट्रेडिंग कर रहा है, किताबी नॉलेज तो नहीं पढ़ा रहा जो किताब में लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप मोस्ट वेलकम है, आप लोगों का लिमिटेड सीट्स है। फिर लास्ट वार्निंग है गाइस, दिस मंथ पुराने प्राइस पे रहेगा, नेक्स्ट मंथ सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स, सेप्टेम्बर की हर एक पेमेंट हमारी 22,000 प्लस की होने वाली है, 22,000 के ऊपर का हमारा फीस रहने वाला है। आई एम सो सॉरी गाइस, जीएसटी के साथ आप लोग को पे करना पड़ेगा, तो वो जो जीएसटी 18% वो आप लोग को पे करना पड़ेगा, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तो इस बैच का 18,000 में लुत्फ उठा लो, मजे ले लो, क्योंकि इस बैच के बाद अब जो भी बैच आएगा इट विल बी कम अराउंड 22K हमारा कोचिंग का सर्विसेज रहेगा, ठीक है? बाकी आप समझदार हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फ्री में जो हेल्प मिल रही है, अगर वाकई में हेल्प रही हो लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे मैं आपके लिए और नई नई चीजें लाने का, बनाने का सोचता हूँ, स्ट्रैटेजी देने का सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ जो मैं चीज देना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच सर, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल। और आज मैंने एक वीडियो डाला है, 34-35,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, ऊपर आई बटन पे देख लो, 35,000 के इन्वेस्टमेंट को डबल किया है
विदिन 17 डेज के अंदर, सिर्फ 17 दिन के अंदर खुद पैसा बनाते हैं बॉस। फिर बोल रहा हूँ, सीखना उससे जो खुद ट्रेड करता हो, किसी से भी सीखो। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए बॉस, मम्मी पापा का ध्यान रखिए सर। और प्लीज इस वीकेंड पे गाइस एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, आस पड़ोस डॉग्स होंगे, गायें होंगी, कोई भी जंगली जानवर या फिर पशु पक्षी, उनके लिए कुछ चारा का इंतजाम करो सर, अलग से आपको दुआ मिलेगी। और बेजवान की जो दुआ होती है सर, वो हर जगह कबूली जाती है। थैंक यू सो मच।